कुछ भी कहो यार, सर्दियों की धूप होती है ना जो खिली हुई, उसके मज़े ही अलग होते हैं। एनीवे, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सभी घर पे सेफ होंगे और अच्छे भी होंगे। तो गाइस, एक्चुअली मैं मेरा एक फ्रेंड है जो कि जाना चाह रहा है सोलो राइड के लिए, बट उसको चाहिए क्या है कि उसका मन कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। एक तरफ वो सोचता है कि सेफ्टी इशू होंगे, ठंड बहुत लगेगी, ये होगा वो होगा, और दूसरी तरफ चाहता है कि वो अकेलापन हो, सोलो राइडिंग के मज़े हो, नई नई चीज़ें दिखे, लोग दिखे। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप सोलो राइड के लिए कैसे खुद को मेंटली तौर पे तैयार कर सकते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको सोलो राइडिंग पे निकलने से पहले ये जान लेना है कि सोलो राइडिंग क्या है। सोलो राइडिंग अकेला निकलना होता है और सारी टेंशन वगैरह को अपने घर पे ही छोड़ के आपको निकलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि आप अकेले जा रहे हैं, मीन्स आप सारी दुनिया की टेंशनों से दूर एक बाइक उठानी है बस और निकल जाना है कहीं पे भी, और वहाँ पे सिर्फ आप अपने साथ होगे, अपनी ही कंपनी इंजॉय करोगे। तो अब बात आती है कि मेंटली प्रिपेयर कैसे करें। तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कुछ क्वेश्चन आपके लॉजिकल माइंड में आते रहते हैं, तो उनमें से ये हैं कुछ। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आप अकेले इंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो गाइस मैं एक बात बता दूं, अगर आप अपने साथ ही अकेले में इंजॉय नहीं कर सकते तो दूसरे आपकी कंपनी कभी भी इंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो दूसरे को खुश नहीं रख सकते। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप सोलो जाओगे तब भी आपको इंजॉय करना आना चाहिए, आप ग्रुप राइड पे जाओगे तब भी आपको इंजॉय करना ज़रूर से आना चाहिए। तो ये हो गई इंजॉयमेंट की बात। तो अगर आप खुद ही अकेले ही इंजॉय नहीं कर सकते तो दूसरे के साथ भी आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई लड़ाइयाँ होंगी, तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इंजॉय की बात है, तो अपने अगर आप खुद के साथ इंजॉय कर पाते हैं तो तभी आपको सोलो राइड के लिए निकलना चाहिए। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि क्या आप अपनी खुशी के लिए दूसरे के भरोसे हो या आप खुद से भी खुश रह सकते हो। और अब आती है दूसरी बात, वो है आपकी फिज़िकल हेल्थ की। तो गाइस अकेले निकलते टाइम पे एक मन में डर होता है कि कहीं मैं बीमार हो गया रास्ते में, या मेरी बाइक वगैरह कहीं फंस गई तो मैं क्या करूँगा। तो गाइस ये एक दिक्कत आती है बहुत बड़ी मन में होती है जो कि, तो आप क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, आपको बस अपना फिज़िकली तैयार हो के रहना है। यानी कोई भी राइड से पहले कम से कम एक महीने तक आपको नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग को फॉलो करना है, उसके साथ में आपको रनिंग वगैरह भी करते रहना कि आप फिज़िकली फिट रह सकें। अगर आपको 1% भी लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं या ख़राब हो रही है तो राइड के बीच में भी रुक सकते हैं, और अगर ख़राब लग रही है तो राइड स्टार्ट ही मत करना, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले होगे और अपने साथ में होगे तो ये आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये क्लियर करना है। और अब बात आ जाती है आपकी फिज़िकल हेल्थ के बाद आपकी बाइक की। कहीं आपकी बाइक ख़राब हो गई तो आप क्या करोगे। तो गाइस अगर आप इकट्ठे चल रहे हो किसी ग्रुप राइड पे, भाई बुलेट का शोर, अगर आप कहीं मान लो कि अकेले जा रहे हो, अकेले चल रहे हो, तो भी आपको क्या करना है, जब भी आपकी बाइक वगैरह ख़राब होगी तो ऐसा नौबत ही ना आने दो। सबसे पहले तो उसको प्रिपेयर करके जाओ, सारी चीज़ों को चेक करो, ऊपर से थोड़ा बहुत आपको सीख लेना है कि आपको कैसे क्या मेंटेन करके रखना है, और थोड़ी बहुत आपको रिपेयरिंग भी ज़रूर आनी चाहिए। तो अगर आप रिपेयर कर सकते हो छोटी मोटी परेशानियों से तो आप बचोगे ही, प्लस में आग ऊपर से क्या करेंगे। एक टिप और फॉलो करनी है कि आपको नाइट में नहीं चलना है। नाइट में ना तो आपको कहीं पर रिपेयरिंग शॉप मिलेगी, ना ही आपके साथ में कुछ अगर गलत हो गया तो भी, वो दिन की एक अलग बात होती है और रात की एक अलग बात होती है, वो आप समझ सकते हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी है बाइक से रिलेटेड। और भाई अगर ख़राब भी हो गई तो ग्रुप में भी हो गए तब भी वो बाइक आप खींच के लेके जाओगे, अकेले हो तो वो पैसों के दम पे खींच के लेके जाओगे। पैसों से बड़ा कोई भी मित्र नहीं होता है आज के टाइम में।
तो गाइस वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बेटर है कि आप पहले ही तैयार होके जाओ, बस इतना ही है। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट की बात, वो आती है पैसों की। अब काफ़ी सारे जो राइडर होते हैं वो बजट फ्रेंडली ही रहते ना पसंद करते हैं। अब सभी को पता है अगर इतनी राइड्स हैं इतने ज़्यादा पैसे लगाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और वो होंगे भी नहीं, तो उधार मांगेंगे। तो इसीलिए बजट में रह के ही अपना राइड करना आपको ज़रूर होता है। तो मन में एक ख्याल आता है कि यार दो जने जाएंगे तो 1000 रुपये का रूम मिल जाएगा, तो 500-500 बांट लेंगे। अगर सिंगल हो तो 800-900 रुपये लगेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के रखना पड़ेगा, ये पहले ही सोच के चलना है। अगर कहीं कुछ ख़राब हो जाता है, कोई दिक्कत वगैरह होती है, तो वो पैसे ही हैं जो आपको काम आएंगे। अगर आप पैसे दोगे तो कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए फटाक से तैयार हो जाएगा, अदरवाइज़ पैसे नहीं हैं तो अकेले बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो वो एक चीज़ आपको सोच के चलनी ज़रूर पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है थेफ्ट का। तो कहीं आप घूमने गए तो बाइक के ऊपर हेलमेट छोड़ दिया या टैंक बैग हो गया, तो वहाँ से चोरी होने का ख़तरा रहता है। तो जी हाँ, बिल्कुल रहता है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आंसर है कुछ भी नहीं। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा अपनी बाइक के रिगार्डिंग में। आप इंश्योरेंस करवा लीजिएगा ज़रूर से, अगर इंश्योरेंस होगा तो आपके पैसे जो हैं वो थोड़े से आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो थेफ्ट के लिए भी इंश्योरेंस होता है, वो भी आप करवा सकते हैं। बाइक का तो मस्ट है, क्योंकि चलान वगैरह कटेगा अगर नहीं होगा तो, वो भी भारी वाला। तो राइडिंग करते टाइम पे आपको ये थेफ्ट का तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा। बेशक चाहे थोड़े से पैसे ज़्यादा लग रहे हों, बट बाइक को हमेशा पार्किंग में ही खड़ी कीजिएगा। और उसके साथ में आपको ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी है कि पार्किंग के साथ साथ अपने सामान को भी आप ऐसी जगह पर रखें। काफ़ी सारी एक हैक करते हैं जो ट्रैवलर होते हैं, वो ये होता है कि जिस भी होटल में आप रुकते हैं आसपास की जगह देख लेंगे कि वहाँ पर रुकना है, और उस होटल में आप वहाँ क्या करेंगे, अपने सामान को छोड़ देंगे। वो नॉर्मली चार्ज लेते ही नहीं है, 90% चार्ज नहीं लेते, तो अपने सामान को जो मोटा मोटा सामान है, लैपटॉप कैमरा बैग ये सब, तो वहाँ पर रख लो। और जो घूमने के लिए ज़रूरी है, जैसे कैमरा हो गया, बाइक होगी, हेलमेट होगी, तो उतना ही सामान आप लेके जाओ। और अपना किसी ना किसी आसपास में जहाँ कोई भी चीज़ नहीं होती, किसी शॉप पे रख दो, किसी की ज़िम्मेदारी में रख दो, चाहे भले ही वो 20-30-50 रुपये ले ले। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सोलो राइडिंग में कोई दिक्कत होगी। और अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो खुद से अंदर से, तो ही आप मेंटली प्रिपेयर हो पाओगे। मेंटली प्रिपेयर गाइस जब ही हो पाता है कोई भी बंदा, जबकि वो खुद से ही अपने साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो। तो सोलो राइडिंग इसीलिए होती है, या तो ग्रुप के साथ बनती नहीं है, ग्रुप के साथ बनती है तो और कोई दिक्कत होती है। तो ये सभी चीज़ें होती है, तो इसीलिए बंदा सोलो राइड पे निकलता है। तो अगर आप, बेसिक बात यह है, अगर आपके पास पैसे और आप खुद से एंजॉय कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो किसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी एंजॉय करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं, और इन बातों को सोलो राइड करते टाइम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, टिप्स कह लीजिए, ट्रिक्स कह लीजिए, तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप अगर फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप परेशान होंगे, बल्कि आप उल्टा अपनी राइड को बहुत मस्त तरीके से इंजॉय करेंगे। तो आपकी नेक्स्ट सोलो राइड के लिए आपको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर मैं ऐसी ही वीडियोस और पसंद आती हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो। और अगर आपको वीडियो में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग लगा है तो पता है लाइक करनी ही है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स जो बाइकर लोग हैं उनके साथ भी शेयर कर दो यार, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।